की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो या फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई, ये आपके ही आदेश से हो पाया है। अब आप बताइए, आपका ये चौकीदार आपके विश्वास पर खरा उतरा है या नहीं? आपको संतोष है? आप चौकीदार से खुश है? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आप खुश हैं, हिंदुस्तान खुश है, लेकिन दो जगह लोग परेशान है। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। एक है कांग्रेस का परिवार और दूसरा है आतंकियों का घरबार। आप 11 अप्रैल को जब कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे तो इन्हीं दो जगहों से सन्नाटा छाने वाला है। साथियों, भारत ने पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर मारा। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमारे को संतोष है ना? आप खुश हैं? दोबारा पूछता हूं, खुश हैं? संतोष है? लेकिन कांग्रेस परेशान है, ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया। आपने देखा होगा, 3 दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया और दुनिया में हम चौथे देश बन गए ये काम करने वाले। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया। भारत आज महाशक्तियों के साथ कदम मिला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत परेशान होती चली जा रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई है जिसने भारत जैसे विराट देश की पहचान एक पीड़ित देश की बना दी थी। एक बेचारा बापड़ा गरीब, अब आपको तय करना है, दमदार सरकार चाहिए या फिर दागदार सरकार चाहिए? दमदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? दागदार लोगों को विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, देश को निर्णायक सहयोग सरकार चाहिए या फिर सिर्फ नारे लगाने वाली, झूठे वायदे करने वाली सरकार चाहिए? ये निर्णय करने की घड़ी आ गई है। साथियों, मोरान की तो पहचान ही मजबूती से है। जो मोरान की पहचान है, वही पहचान पूरे हिंदुस्तान की होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मोरान मजबूत है तो हिंदुस्तान भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहचान सिर्फ एक परिवार की गुलामी करने वाले क्या कभी दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, भारत मजबूत तभी हो सकता है जब असम मजबूत होगा, नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा। यही प्रयास
केंद्र और असम की एनडीए सरकार किया है, यहां के हम ये हमारे तमाम साथी एनडीए के सभी घटक असम का में भी और दिल्ली में हम भी ये विकास के ही कामों में लगे हुए हैं। साथियों, उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशहूर असम चाय पिलाने वाले 7 दशकों तक परेशानी में रहे, उनको मूल सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। साथियों, चाय वालों का दर्द ये चाय वाला ही समझ सकता है। इसी का परिणाम है कि दशकों के इंतजार के बाद पहली बार यहां के चाय वालों के बैंक खाते खुले। चाय जनजाति के लाखों परिवारों को 2 किस्तों में 5,000 रुपये की मदद दी गई। चाय बागान के 4 लाख परिवारों को मुफ्त में चावल और 2 रुपये किलो चीनी देने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही किया है।